मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। टर्न ऑन योर वीडियो। सबको वीडियो ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं करना है। वीडियो ऑन रखो मैम। पेज नंबर 36। ओपन किया मैम। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके दैट टाइम वी गॉट टॉक अबाउट दैट गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। वी कैन सी वन कॉमिक बुक टाइप पिक्चर्स आर गिवन ओवर हियर, है ना, कॉमिक बुक जैसा है। तो देखो फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है कि फिशरमैन वुड बी फिशिंग, है ना। पिक्चर में दिख रहा है कि वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, फिशिंग के लिए जा रहे होंगे। And they were thinking about nothing but the hills of fish. That means that the place it's talking about in this comic. ये जो chapter में दिख रहा है ना, ये जो chapter में जो hills of fish दी है, मतलब वो एक fish का type है, hills of fish, है ना? और all were talking about that fish. और सब लोग वो fish के बारे में बातें कर रहे हैं। And the fish name is Hilsa fish. Okay. So all are talking about the Hilsa fish. And it was the season for Hilsa fish. है ना, एक season है। जैसे कि अलग अलग fishes की कोई season आती है ना, जैसे कि ये वाली season में ये fish होगी, उसका increment ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो एरिया दिया है ना, वहाँ पे हिल्सा फिश करके एक फिश है जिसकी सीजन चल रही है। ओके चलो देखते हैं आगे। फिशर मॉन्गर्स सॉल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिशर मॉन्गर्स मतलब जो फीस मांगने आते हैं ना, खरीदने आते हैं वो, सॉरी फिशर मॉन्गर्स मतलब जो फीस बेचते हैं वो लोग, और कोई फीस नहीं बेचते। कौन सी फीस बेचते हैं? खाली हिल्सा फिश। Come by. The price of Hilsa is down today. आओ और खरीदो। आज Hilsa fish की प्राइस कैसी हो गई है? कम हो गई है। Householders could talk of nothing but Hilsa fish. और जो लोग घर पे रहते हैं ना, जो फिश मंगवा के खाते हैं, वो लोग भी किसी और के बारे में बात नहीं करते, खाली Hilsa fish के बारे में बातें करते हैं। How much did you pay for that Hilsa? आप Hilsa के लिए कितना पे करोगे मुझे? You wouldn't believe it if I told you. आप मानोगे ही नहीं अगर मैं आपको प्राइस बताऊंगा तो। हिल्सा फिश की इतनी कम हो गई है। And in the play, in the palace, palace मतलब महल, in the palace, to the courtiers who discuss nothing but हिल्सा फिश। देखो महल में जो courtiers है, मतलब जो दरबारी होते हैं, वो भी कोई बात नहीं कर रहे, खाली हिल्सा फिश की बात चल रही है। Your Majesty, you should have seen the huge हिल्सा I caught. It was. अरे महाराज आपको पता है, आज मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। तो सारी जगह पे, सब जगह पे, एवरीवेयर नथिंग बट ओनली हिल्सा फिश, हिल्सा फिश की बातें चल रही है। स्टॉप इट, जो किंग है ना वो गुस्से हो रहा है। स्टॉप इट, आर यू कॉल्टियर और फिशरमैन, बोल रहा है कि आप कॉल्टियर हो या फिशरमैन हो, महल में आके भी फिश की बातें कर रहे हो। द कॉल्टियर फेल साइलेंट with downcast eyes and king felt guilty. सब नीचे देखने लगे। downcast मतलब guilty होती है तो कैसे नीचे देखते हैं, और king को भी थोड़ी guilty feel हुई। I'm sorry, I lost my temper. king बोलता है कि sorry, मैं मेरा temper मतलब मैं मेरे गुस्से पे काबू नहीं रख पाया, मैं गुस्से हो गया आपके ऊपर। temper का मतलब होता है कि जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, है ना। It is the season for Hilsa fish and no one. अभी सीजन चल रही है हिल्सा फिश की, तो आप भी हिल्सा फिश के लिए बातें कर रहे हैं। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। और गोपाल जो है ना, वो किंग का एकदम खास आदमी है, तो वो किसी को चुप नहीं रख पाता था। 5 मिनट के लिए भी किसी को भी चुप नहीं रख पाता था, बस सब लोग बात कर रहे थे हिल्सा फिश एंड हिल्सा फिश। ओह आई थिंक, कुड योर मैजेस्टी,
गोपाल बोल रहा है कि शायद मैं कर सकता हूँ. Then let me see you buy a huge hilsa, bring it to the palace without anyone asking you word about it. तो राजा उसे एक काम देता है ना, क्या काम देता है कि चलो तो एक काम करो, आप है ना मार्केट में से एक ह्यूज हिल्सा फिश लेके आओ, है ना, और ऐसा काम करो कि कोई भी कुछ भी आपको बोले ही नहीं हिल्सा फिश के बारे में. नो वन कैन टॉक अबाउट हिल्सा फिश मैंने को, यू आर गोइंग टू बाय द हिल्सा फिश एंड केम फ्रॉम द, और जब तक आप पैलेस पे आओ वापिस हिल्सा फिश को लेके, तब तक कोई भी आपके बारे में, आपके साथ हिल्सा फिश के बारे में बात ही ना करे, ऐसा करके दिखाओ, है ना. तो when challenge is given by the king to the Gopal, I accept the challenge, your majesty. और गोपाल बोलता है कि king, मैंने आपकी challenge को accept कर लिया है. Why is your face half shaven? देखो, उसकी wife उसे बता रही है कि आपका face half shaven क्यों, उसने क्या कर लिया है, देखो half shave किया है, एक side की shave किया और दूसरी side नहीं किया. I am dressing up to buy a fish. मैं आज है ना fish खरीदने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ड्रेसिंग अप कर रहा हूँ. मतलब क्या कर रहा हूँ, आज मैं उस खरीदने के लिए जाने के लिए कुछ अलग सा रूप बना रहा हूँ मेरा, उसकी वाइफ को बोल रहा है. व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाई आर यू स्मैरिंग योरसेल्फ विथ एश. तो वो अपने चेहरे पे क्या, स्मैरिंग मतलब क्या होता है, लगाना, स्मैरिंग मतलब लगाना, क्या लगा रहा है वो, एश. एश मतलब क्या होता है, ऐश मतलब क्या होता है, चूल्हे में से राख निकलती है ना, है ना, डस्ट जैसा. Yes. वो अपने चेहरे पे लगा रहा है. देखो, I told you I am dressing up you to buy a hilsa fish. मैंने अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मैंने बोला ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अपने चेहरे को अलग से बना रहा हूँ. Listen to me, please, you can't possibly to go out in those disgraceful rags. What are you up to? है ना, उसकी वाइफ बोल रही हो कि अरे ऐसे बन के मत जाओ, ऐसे disgraceful बन के मत जाओ, जैसे कि आपको देख के कोई डर जाए. How many times must I tell you, woman, I am out to buy a new silk surface. मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैं ऐसा ही बनके जाऊंगा. देखो कैसे कपड़े पहने, हाफ सेवन किया है, ऐश लगाई है, कपड़े फटे हुए हैं. It's happened to him. He's gone mad. उसकी वाइफ बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि ये पागल हो गया है उसे देख के. Gopal bought the silk surface and started walking towards the palace. देखो, गोपाल ने तो अपने हाथ में silk surface पकड़ी है सबके सामने, और चैलेंज क्या है, कोई भी किसी की कोई भी बात नहीं करेगा उससे हिल्सा फिश के बारे में. तो वो उसके हाथ में देखो पकड़ के जा रहा है. मदर, लुक एट द मैन, इजंट द कॉमिक, ही कॉमिकल. तो लड़का बोल रहा है कि देखो वो कैसे इंसान जा रहा है, बहुत ही कॉमिक जैसा है, कॉमिकल है, बहुत ही हंस मतलब कैसा, जोकर जैसा, फनी. ही मस्ट बी अ मैड मैन. हर्ष, आई थिंक ही इज अ मैस्टिक. बोल रहा है कि वो पागल लग रहा है, सब लोग उसको देख के देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक पागल जा रहा है. When Gopal reached the court, what do you want? मतलब वो जो आगे खड़े रहते हैं ना सबको रोकने के लिए सोल्जर्स जैसे, वो बोल रहे हैं कि what do you want? आपको कहाँ जाना है, क्योंकि गोपाल को कोई पहचानता ही नहीं, उसने ड्रेस अप ऐसा किया है. I want to see the king. मुझे तो किंग को मिलना है. You can't see the king. Get away with you. मतलब यहाँ से निकल जाओ, आप किंग को नहीं मिल सकते. गोपाल began to dance and sing loudly. वो डांस करने लगा और गाने लगा. Inside the palace, the man is crazy. Throw him out the once. मतलब किंग भी उसे नहीं पहचानता है गोपाल को, और बोलता है कि ये पागल इंसान को फेंक दो. I want to see the king. Let me in. मुझे अंदर जाने दो, गोपाल बोल रहा है. Bring that man to me at once. Yes, your majesty. मतलब राजा गुस्से हो जाता है और बोलता है कि उसे लेके आओ. Gopal was brought before the king. है ना, गोपाल किंग के सामने लाया जाता है. It's Gopal. और पहचानते हैं कि अरे ये गोपाल है. The man has lost his mind. लगता है कि इस इंसान ने अपना माइंड खो दिया है, पागल हो गया है. I think it is one of his crazy job. ऐसा लगता है कि ये शायद जॉब कर रहा है. All right, Gopal, out with it. Why are you dressing up in this ridiculous fashion? है ना, इतनी खराब सी फैशन करके क्यों आए हो? Your Majesty, you seems have to forgotten something.
बोलता है कि महाराज मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हो. फॉरगॉटन समथिंग व्हाट, मैं क्या भूल रहा हूँ. स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे. एकदम आपको स्ट्रेंज लगेगा कि आज को आज मुझे हिल्सा फिश लेके आते हुए किसी को भी स्ट्रेंज नहीं लगा. फ्रॉम मार्केट टू पैलेस एंड टू कोर्ट नॉट अ सॉल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश. किसी ने भी एक भी वर्ड नहीं बोला हिल्सा फिश के बारे में. ओनली डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल. और अब किंग को अपनी चैलेंज याद आ गई. हाँ हाँ वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन. और गोपाल को बोला कि अरे वाह आपने तो जो इम्पॉसिबल टास्क था वो भी कम्प्लीट कर दिया और किसी ने आपको हिल्सा फिश के बारे में बोला भी नहीं है ना. तो इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड द कॉमिकल व्यू बिटवीन किंग एंड गोपाल. इट इज अवर चैप्टर. नाउ विल साइन द पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. ओके Enjoy the lesson. Okay, ma'am. Enjoy the lesson. Yes. Okay. Yes, ma'am. We will do exercise. We will discuss the exercise and new words also. Okay, of this chapter. We will write the question. We will write the new words of this chapter and question answer. We will discuss. Okay. Okay, ma'am.